और आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं अभी आपसे मैं रात में क्या क्या काम करती हूँ वही आपसे शेयर करूंगी। तो हमारा ये पानी गर्म करने वाला केतली खराब हो चुका है, ये खराब है, इसका जो नीचे का है वो ठीक ही है लेकिन ये खराब है। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जाके ये खरीद के लेके आ गए 600 रुपया में। तो ठीक ही है, देखती हूँ कितना दिन चलता है। तो अभी मैं इसको बनाऊंगी सॉसेज को, पहले मैं इसे फ्राई करूंगी। तो ये फ्राई हो चुकी है, अब इसे मैं निकाल रही हूँ। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, मैं दूसरा बर्तन में बनाऊंगी। अब मैं यहाँ अदरक और लहसुन को काटूंगी। तो इसको मैं यहाँ कूटूंगी। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, तो इसको भी यहाँ कूटूंगी। मैंने इसको कूट लिया है। तो यहाँ मेरी फ्राई पैन गर्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ तेल डालूंगी। तो यहाँ मैंने ज्यादा तेल नहीं डाला है, थोड़ी सी डाला है। मसाला को डाल रही हूँ। देर फ्राई करती हूँ। अब यहाँ डालूंगी मैं थोड़ी सी नमक, नहीं तो खाने में स्वाद ही नहीं होगी। ये नमक ऐसी चीज है, ये नहीं होने से खाने में कोई टेस्ट ही नहीं, चाहे आप मसाला दो या ना दो, लेकिन नमक ना डालो तो खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, थोड़ी सी टमाटर सॉस, अपने इसे भी डाल दूंगी। के बाद में डाल दूंगी थोड़ी सी विनेगर, यहां डालूंगी थोड़ी और पानी। ये बन के रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मेरी सॉसेज बनकर रेडी हो चुकी है।
तो मेरा रात का डिनर बन के रेडी हो चुका है। मैंने बनाया है चाउमीन और इनोकी मशरूम और सॉसेज। हाँ, इतना ही बनाया है, मैं तो भूल भी जाती हूँ। लेकिन इनोकी मशरूम मैंने शेयर नहीं किया, तो वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा। तो अभी हम खाना खाएंगे, तो आपसे मैं खाना खाने के बाद ही मिलती हूँ। तो अभी हम खाना खा चुके हैं, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। तो आज के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा आज का दिन। तो आज मैं मसाला से ही शुरू कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आज सभी मसालों को सिलपट्टा में पीस के बना रही हूँ। पहले पहले जब हमारे मम्मी, नानी, दादी वे सब सिलपट्टा में ही पीस के खाती थी, और आजकल तो हम ग्राइंडर में खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे करके बनाने से भी अच्छा लगता है, वो यादें भी ताजी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो इसीलिए मैंने आज सिलपट्टा में पीसा है। तो मैं सब मसाला को सिलपट्टा में पीस के रेडी करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू फूलगोभी की वेज सब्जी, क्योंकि आज मंगल है तो आज हम वेज खाते हैं। तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू फूलगोभी की वेज सब्जी। वैसे तो आलू फूलगोभी की वेज सब्जी सभी को आती है, पर मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी तेल गर्म हो चुकी है, मैं यहाँ डाल दूंगी आलू। तो आलू को मैं पहले फ्राई करूंगी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी सी हल्दी डाल दिया मैंने। तो यहाँ मेरी आलू फ्राई हो चुकी है, मैंने थोड़ी थोड़ी लाल करके फ्राई किया है। देखिए मैंने कैसे करके फ्राई किया। तो अब मैं यहाँ फूल गोभी फ्राई करूंगी। फूल गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकालती हूँ। तो अब यहाँ मैं तेल डालूंगी फिर से। तो वेज सब्जी में थोड़ी तेल ज्यादा ही लगती है। यहाँ मेरी तेल गरम हो चुकी है, तो यहाँ मैं डालूंगी 2 तेज पत्ता, 5 फूरन, 1 लौंग इलायची। एक कटी हुई टमाटर,
अदरक की पेस्ट, उसके बाद डालूंगी जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अपने से अच्छे से फ्राई करती हूँ। अब मैं यहाँ डालूंगी लाल मिर्च जो मैंने सिलपट्टा में पीस के रखा हुआ था। अब मैं इसे अच्छा से फ्राई करती हूँ। तो अब मैं डालूंगी मगज, पीसी हुई मगज, उसके बाद डालूंगी पिस्ता जो पपी सीड, मैं इसे भी और एक मिनट फ्राई करूंगी। तो यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, लेकिन ये तीखा नहीं है, इससे सिर्फ कलर ही होगी। अब यहाँ मैं डालूंगी चीनी, अगर आपको चीनी पसंद ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। वेज में थोड़ी चीनी डालने से तो वेज की जो टेस्ट होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए मैं चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरी मसाला फ्राई हो चुकी है, अब मैं यहाँ सब्जी डाल रही हूँ। मसाला को अच्छा से मिक्स करूंगी। और ऐसे करके अगर आप गोभी और आलू की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी, और आपको प्याज लहसुन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं गरम पानी डालूंगी। ऐसे करके इस बार गोभी और आलू पका के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो साथ में मैं ये मसाला का पानी भी डाल दूंगी। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी, क्योंकि आलू और गोभी अभी तक कच्ची ही है, तो इसे मैं ढक के पकाऊंगी और बीच बीच में आके भी देखूंगी। तो यहाँ मैं खुल के देख रही हूँ, तो आलू भी मेरी बन चुकी है और
गोभी भी मेरी हो चुकी है, इसको भी देखती हूँ। हाँ ये भी हो चुकी है, तो अभी मैं यहाँ गरम मसाला डाल दूंगी। थोड़ी मैं खुल के बनाऊंगी क्योंकि इसकी पानी थोड़ी सूखनी थोड़ी सूखी होनी चाहिए। तो मुझे पानी इतनी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी जैसा चाहिए, तो मैं इसे थोड़ी खुला करके बनाऊंगी तो ये सूख जाएगी। तो यहाँ मेरी गोभी आलू बनके रेडी हो चुकी है, फूल गोभी और आलू। तो यहाँ मैं घी डाल देती हूँ ऊपर से, तो ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी इसका थोड़ी अंदर ऐसा करके रख दूंगी। तो आज की मेरी फूलगोभी और आलू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, तो अब मैं इसे यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये दोपहर तक ठंडा हो जाएगी, तो इसमें रखने से गर्म ही रहेगी। इसको अच्छा से बंद कर देती हूँ। तो आज मैंने पहले आपको खाना बना के दिखाया, उसके बाद ही मैं आपके सामने आई हूँ। और मेरा काम पूरा खत्म हो चुका है, अब मैं दुकान जाऊंगी और दोपहर में फिर आपसे मैं मिलती हूँ जब हम खाना खाएंगे उस टाइम। तो अभी के लिए बाय। और यहाँ मेरे हस्बैंड डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना, और मैं यहाँ धूप में बैठ के खा रही हूँ। मुझे धूप में बैठ के खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं धूप में ही खा रही हूँ। अब खाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दुकान चले जाएंगे, तो मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। तो मैं आज के लिए आपसे यहीं विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।